विरार में बंदूक की नोक पर महिला ने ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने बहादुरी दिखाते हुए महिला को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला दोपहर 1 बजे के करीब दुकान में सोना खरीदी करने के इरादे से गई थी। कुछ देर सोने के गहने देखने के बाद उसने अपने पास मौजूद बैग से एक बंदूक निकालकर दुकानदार को दिखाते हुए उसे चुपचाप सोने के गहने उसके हवाले करने को कहा। मगर इससे पहले कि महिला अपने इरादों में कामयाब होती, दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। हालांकि 2 दिन पहले भी महिला दुकान में आई थी और जानकारी के अनुसार पकड़ी गई महिला पेशे से बार बाला है। देवीलाल गुर्जर है, सबका नाम देवीलाल ज्वेलर से। ऑलरेडी जैसे आई थी कस्टमर बन के आई थी मेरे पास में, ज्वेलरी देख रही थी और ज्वेलरी वापस एक देख रही थी, एक ले रही थी, एक देख रही, एक ले रही थी। और वे वापस मैंने ट्रेन रखा तो उसने पीछे से गन निकाल के मेरे को दिखाया, तो और मैंने बाहर कूद के उसको पकड़ लिया मैंने और बाहर लेके चला गया मैं। तो उसने 1.5 घंटे तक मेरे पास में ज्वेलरी देखा था उसने, और परसों भी मेरे पास में आके गई थी, ज्वेलरी देख रही थी, मतलब शादी के लिए उसको ज्वेलरी चाहिए थी, तो धीरे धीरे करके वो टाइम पास करके देख रही थी। 1:15 बजे आ गई थी मेरे पास में।